What's up everybody and welcome back to Redstone Red Science video. आज हम लोग फिर से खेलने वाले Minecraft और हमने Minecraft और Herobrine SMP के अंदर बहुत सारे अलग अलग TNT machines बनाए हैं। हमने TNT cannons बनाया जो एक TNT छोड़ता है, जो एक साथ 100 TNT 1000 ब्लॉक दूर तक छोड़ सकता है, और हमने सबसे खतरनाक Ragnarok भी बनाया है। भाई Ragnarok से खतरनाक पूरे Minecraft में और कुछ नहीं हो सकता। पर आज मुझे कुछ नया करना है। आज हम लोग Minecraft में एक ऐसा वेपन बनाने वाले हैं, जो वेपन जिसके साइड में होगा वॉर लिटरली बस उसी के साइड में। एक ऐसा वेपन जिसको अगर हमने वॉर में यूज किया तो सामने वालों की लिटरली फटने वाली है, उन लोग की बैंड बजने वाली है। भाई अगर ये चीज सामने से मेरे पास आता हुआ मेरे को दिखा तो मैं पक्का चट्टी भागेगा। मतलब मैं नहीं हकेगा, मेरे पास तो नहीं आएगा, सामने वालों के पास जाएगा। यार देखो Herobrine और Minecraft में सब लोगों को TNT cannon के बारे में पता है। TNT cannon में क्या करता है, मेरे को स्विच ऑन करना है, वहां से एक TNT आएगा जो उड़ के तुम्हारे पास जाएगा। और अभी सब लोग को चिड़िया के बारे में पता है, जो ऊपर से उड़ता हुआ आएगा TNT गिराते गिराते जाएगा। बट आज हम लोग बनाने वाले हैं द TNT मिसाइल। और आई एम वेरी श्योर गाइस, किसी को भी TNT मिसाइल के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। तो दो दिन पहले मैं YouTube पर एक वीडियो देख रहा था बाय एलेक्सा रियल, और वीडियो का टाइटल है TNT weapons in 2012 versus now। और उस वीडियो में उसने बहुत सारे अलग अलग टाइप के TNT weapons दिखाए, पर उसने एक स्पेसिफिक वेपन एंड में दिखाया जिसको देख के भाई मेरा दिमाग घूम गया कि मेरे को ये चीज बनाना है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में वो दिखाता है कि 2012 में किस तरह के TNT cannons होते थे, और ओ शिट ये TNT cannon मैं एक्चुअली 2021 में बना चुका हूं यार। 2012 का इतना पुराना डिजाइन में 2021 से बना रहा था। ओके, तो यहाँ पर हाथ से TNT प्लेस किया क्योंकि आई थिंक 2012 में ना डिस्पेंसर्स नहीं था। हाँ 2012 में डिस्पेंसर। क्या सही उड़ के गया। ओके, ये चीज जो इसने अभी मैन्युअली किया, इसने लिटरली मैन्युअली TNT को प्लेस किया एक-एक करके जाके। ये चीज हम लोग अभी डिस्पेंसर के थ्रू कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारे TNT एक ही लॉन्चर से छोड़ सकते हैं। 2012 में Minecraft में डिस्पेंसर नहीं था, तो अगर तुमको यहाँ पे TNT कैनन बनाना था तुमको हाथ से जाके TNT लगाना पड़ता था और फिर वो काम करता था। ओके, अगला क्या है। ओके आई थिंक ये थोड़ा बहुत Ragnarok की तरह है। ओ नहीं ये कैनन है, वो एक जगह मारेगा। ओ भाई क्या खतरनाक मारा, कितना दूर तक गया। बट देन गाइस ये डिजाइन अभी अपडेट हो चुका है क्योंकि अभी हमारे पास है लिटरली TNT स्नाइपर राइफल जो हमने Herobrine में यूज किया है, जो यहाँ से 1000 ब्लॉक दूर तक सिर्फ एक नहीं कम से कम 100-150 TNT छोड़ता है। और गाइस ये मशीन उससे बेटर काम नहीं कर सकता। पर अभी आते उस वेपन के तरफ जिसमें हमारा आज इंटरेस्ट है। अगला हम लोग देखने वाले TNT मिसाइल। ओके सामने यहाँ पर एक वुडलैंड मैंशन है, और ये ओ भाई ओ ओके हमने पहले फ्लाइंग मशीन बना लिया, फिर हमने ये क्या किया है। ओ ओ हमने इस रेल के ऊपर बहुत सारे माइनकार्ट भी TNT डाला है। ओ शिट मेरे को अभी समझा, वो माइनकार्ट भी TNT फटने वाला है। हम लोग बहुत सारे TNT नहीं छोड़ रहे, हम लोग लिटरली माइनकार्ट भी TNT भर के छोड़ रहे, जाके फट जाएगा। ओ शिट ये सामने वुडलैंड मैंशन की तरफ जा रहा है और इसने टच कर लिया। ओ भाई डिस्ट्रक्शन देखो, लिटरली 2-3 माला और अंडरग्राउंड खड्डा हो गया। ओ भाई भाई यार ये वेपन क्या मस्त है यार, ये TNT का मिसाइल क्या सही चीज है। ओ भाई ये मस्त चीज है यार, ये मेरे को ट्राई करना है। इमेजिन ये मिसाइल अगर हमारे पास हो सामने वालों की फटने वाली है। तो गाइस जल्दी चलते Minecraft के अंदर बनाते आज का TNT मिसाइल। ओके हम लोग इस Minecraft वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं TNT का मिसाइल। और यहाँ पर हमने को मस्त सा स्पॉन मिला है, मैं लिटरली पहाड़ से नीचे देख रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले चूज करते हैं, मैं ना यहाँ पर बनाने का ट्राई करता हूँ छोटा सा TNT कैनन जो फटाफट TNT छोड़ेगा और देखते हैं हम लोग उसको कितने टाइम मार सकते हैं। ओके तो बेसिक छोटा सा TNT कैनन बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग को ऐसे डिस्पेंसर चाहिए, डिस्पेंसर में तफास क्यों बोल रहा हूं, डिस्पेंसर के पीछे हम लोग को यहां पर एक स्लाइम ब्लॉक चाहिए, उसके पीछे हम लोग को ऐसा बनाना है। ये यहां पर लग गया पीछे स्टिकी पिस्टन। लगने के बाद हमें इस डिस्पेंसर को ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देना है। आई होप मैं सही कनेक्ट कर रहा हूं। ओके इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, सही है कनेक्शन सही है। फिर हमें यहां पर एक 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 लीवर लगाना है, लीवर नहीं, लीवर हमको यहां पर लगाना है। लीवर लगाने के बाद हमें ये क्या लगा रहा हूं, ये ऐसे 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 लीवर लगाना है, फिर ये यहां पर ऐसे एक रेस्टोन डस्ट डालना है, ऐसे नहीं डालना है, ये करना है, और ये चीज काम कर रहा है। ठीक है। ओके ये चीज काम कर गया। आई थिंक इसको लीवर की जगह हमको बटन कर देना है, बटन लगा दिया। इसके अंदर हमें लगाने बहुत सारे TNT, बहुत सारे TNT। ओके TNT लगा दिए, अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे Uh-oh.
ये बिल्कुल नहीं होना था गाइस। ओ बाय द वे गाइस, मेरे को तुम लोगों को सवाल पूछने का है, ये टीएनटी का कलर क्या होता है? अगर तुम लोगों को टीएनटी का कलर पता है तो तुम्हें पता होगा नीचे टीएनटी कलर का एक बटन है, उसको कहते हैं सब्सक्राइब बटन, उसके पास जाने का और ऐसे 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 जोर से मार देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। और अगर तुमने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो को लाइक हो सकते हैं 75,000 लाइक्स का। मेरे को ये वाला बटन नहीं, मेरे को ये वाला बटन प्रेस करना था। ओके, हम लोग अभी टीएनटी के अंदर डाल देंगे और हियर वी गो। ओ यस, अब द टीएनटी कैनन फाइनली काम कर रहा है। नोप। ओ शिट, ओ शिट, ओ ओ ये फटा नहीं। नाइस, अबे ये एग्जैक्टली आगे तक गया। पर नहीं गाइस, नहीं, हम लोग आज माइनक्राफ्ट के अंदर ये बनाने बिल्कुल नहीं आए। हम लोग आज माइनक्राफ्ट के अंदर आए हैं बनाने द टीएनटी मिसाइल। और टीएनटी मिसाइल ना, मैं सोच रहा हूँ सबसे सही होगा अगर मैं टीएनटी मिसाइल को ऐसी जगह पे बनाऊ जहां से वो उड़ते उड़ते ना पहाड़ के अंदर घुसेगा। और यहाँ पर ना मेरे को एक मस्त सा बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, तो एक काम करते इस टीएनटी मिसाइल को ना अपन इधर बनाते हैं पहाड़ के सामने। ओके, तो इसको बनाना स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले चाहिए एक ऑब्सीडियन ब्लॉक। अब मुझे नहीं पता कि हम लोग को ऑब्सीडियन ही चाहिए कि हम लोग कुछ और यूज कर सकते हैं। ओ वेट, वो क्या है? रुइंड पोर्टल। यार मैं रुइंड पोर्टल देखता हूँ, मेरे को रुइंड पोर्टल के अंदर का चेस्ट देखने का मन करता है। चेस्ट के अंदर क्या है? छी, ऐसे गू वाले चेस्ट रुइंड पोर्टल अगर मेरे को मिला तो मैं कभी नहीं देख रहा हूं। ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, जला कैसे? जो भी हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है कैसे जला, फट गया उससे फर्क पड़ता है। ओके, वापस अपने काम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर लगाना है एक ऑब्सीडियन। आई डोंट नो ऑब्सीडियन की जरूरत है या हम लोग नॉर्मल सा ब्लॉक पे लगा सकते हैं, पर उसको हम लोग देखेंगे बाद में। तो इस ऑब्सीडियन के पीछे हमको एक लीवर लगाना है, जो लीवर ना हमारा लॉन्चर होगा। और ये लीवर के बाद हम लोग को साइड में लगाने हैं ऐसे पिस्टन्स, और ये चार पिस्टन लग गए। और चार पिस्टन को अगर हम लोग ऑन कर देंगे तो चारों के चारों पिस्टन ऐसे सामने बाहर आ जाएगा। ओके, आई थिंक मेरे को ये ऐसा नहीं करना था। वेट अ सेकेंड। आई थिंक मेरे को चारों को ऐसे लगाना है, फिर मुझे यहाँ पर ऑब्सीडियन लगानी है और मुझे इसको तोड़ देना है। और ये अपना बन गया लॉन्च पैड। तो ये मिसाइल का एक मस्त चीज है कि इसको ना हम लोग एक लॉन्च पैड के ऊपर बनाते हैं, जिससे ये लॉन्च करना बहुत इजी है। अगर इंसान ऐसा होता है कि इसको हवाएं बना के रखो और ऐसे ऑन करो ऑफ करो, थोड़ा सा मुश्किल होता, पर इसको हम लोग ना ऐसा बना सकते हैं कि हम लिटरली ऐसे एक लीवर फ्लिक करके इसको ऑन ऑफ कर सके, तो ये मस्त चीज है। ओके, ये बन जाने के बाद हम लोग को हर एक पिस्टन के सामने लगाना एक एक ऑब्जर्वर। अब जैसे ये पिस्टन को हम लोग ऑन करेंगे, ये सारे ऑब्जर्वर पे एक एक पावर जाएगा, और ये ऑब्जर्वर पावर जाते ही ऑब्जर्वर सीधा उड़ना चालू कर देगा अपने टीएनटी मिसाइल को लेकर। ठीक है, फिर ये ऑब्जर्वर्स लगाने के बाद हमें यहाँ पर लगाने दो स्लाइम ब्लॉक्स। इन ऑब्जर्वर के पीछे लगाना एक एक स्टिकी पिस्टन। ठीक है, तो ये लगाने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑब्जर्वर लगाना है और हमें यहाँ पर एक ऑब्जर्वर लगाना है। अब इसके बाद तुम्हें लग रहा है कि हमें यहाँ पर और यहाँ पर भी ऑब्जर्वर लगाना है, पर हमें इन दोनों को नहीं लगाना है। पर इसकी जगह हमें यहाँ पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना है। उसके बाद हमें एक स्टिकी पिस्टन लगाना है यहाँ पर, नहीं ऐसे लगाना है, ये नहीं लगाना। और इसके आगे हमें लगाना है एक और स्टिकी पिस्टन, जिसके बाद हमें इसको तोड़ देना है। और इसके बाद ये चीज कुछ ऐसा रेडी हो जाएगा। ओके, अभी जो ये पिस्टन है, हमें इस पिस्टन के आगे एक स्लाइम ब्लॉक लगाना है। अब मुझे समझ में आ रही चीज काम कैसे करेगा। तो बेसिकली ये एक चीज है और इसके साइड वाला एक है जिसको पुल करेगा, और आई थिंक सो कि ये ऑब्जर्वर आगे आगे इसको इग्नाइट करेगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली जिस कैसे काम करेगा, इसको पहले बनाते और फिर देखते। ओके, तो अभी ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन के पीछे हमें लगाना है एक माइन कार्ट, और इस माइन कार्ट के ऊपर हम लोग भर देंगे माइन रेल लगाना है। मैं हमेशा रेल को माइन कार्ट क्यों बोलता रहता हूं। और फिर इस रेल के ऊपर हमें लगाना है माइन कार्ट विद TNT, और हमें यहाँ पे बहुत सारे लगा रहे, लिटरली बहुत सारे, मतलब हम लोग जितना ज्यादा लगा सके उतना सही है। उसका मतलब हीरो ब्राइन के अंदर हम लोग को TNT तो बहुत सारा चाहिए, पर उसके साथ साथ हमें लिटरली माइन कार्ड भी चाहिए, जिसके लिए बहुत सारा अपने को आयरन भी लगेगा। अभी तुम लोगों देखकर ये एक लग रहा है, पर यहाँ पर एक रेल के ऊपर कम से कम 100-150 माइन कार्ड लगे हुए विद TNT। ओके, अब इसको लगाने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ करने को मेरी फट रही है, बट अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक स्टोन लगाना है, यहाँ पर एक स्टोन लगाना है, यहाँ पर एक स्टोन लगाना है, और हमें यहाँ पर आना है, जो चीज करने से मेरी बहुत ज्यादा फट रही है। और हमें ना ये माइन कार्ट को एग्जैक्टली तोड़ना है। अगर मैं ये माइन कार्ट को सही से तोड़ू तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और अगर मैं ये माइनक्राफ्ट को हक दू तो ये हो सकता है। ओ शिट, और मुझे वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ओके, एकदम धीरे से रेल के पास आते हैं, और 3-2-1
भाई नहीं बेटा, ओ भाई कुछ नहीं हुआ, नसीब नसीब नसीब। ओके, इसके बाद हमें अभी यहाँ पर एक टीएनटी लगाना है और मुझे यहाँ पर एक पिस्टन लगाना है और अभी मुझे इस टीएनटी को इन टीएनटी माइनक्राफ्ट्स के अंदर घुसा देना है। अब मेरी ये करने से भी एक और बार फट रही है। ओके ओके, प्लीज फटना नहीं, प्लीज फटना नहीं, प्लीज फटना नहीं। 3 2 1 ओके, नहीं पटा। ऑल राइट, तो अभी हमने सब कुछ कर लिया, अभी हमें सीधे टीएनटी के आगे एक और स्टोन लगाना है और उसके बाद हमें इसको तोड़ देना है। हमें यहाँ पर एक स्टोन लगाना है और हमें ऐसे 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 बंद कर देना है। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर है उसके आगे 2 ब्लॉक्स होने चाहिए। अभी आई थिंक ये काम कैसे करता है, ये जैसे जाके दीवार में घुसेगा ना, ये जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर आगे आ जाएगा और ये ऑब्जर्वर पावर करेगा यहाँ पे जितने भी माइनकार्ट और टीएनटी सब रखे उसको, और वो पूरा चीज एक साथ फट जाएगा। ओके, तो आई गेस हमारा टीएनटी मिसाइल बन चुका है और अभी हम लोग इस टीएनटी मिसाइल को ट्राई करने वाले इस पहाड़ पे छोड़ के। गाइस, आर यू द रेडी? ऑल राइट, तो अभी इस टीएनटी के मिसाइल को छोड़ते इन 3 2 1 जा, और ये आगे जाना चालू, ये इस पहाड़ पे लगकर फटने वाला है। थोड़ा धीरे धीरे जाता है पर देन जैसे ये पहाड़ पे लगेगा ये फट जाएगा भाई। अब सोचो तुम एक नॉर्मल सा माइनक्राफ्ट प्लेयर, तुम बोल रहे हो अबे ये क्या आ रहा है, ओ ये चिड़िया आ रही है, अरे उड़ता उड़ता प्लेन आ रहा है, ये एरोप्लेन एरोप्लेन एरोप्लेन, अबे कितना टक गया मैं, मेरे बेस पे आ रहा है एरोप्लेन, तुम इसको देख के बहुत खुश हो जाओगे। पर जैसे ये तुम्हारे बेस पे आएगा तुम्हें एरोप्लेन एरोप्लेन का मजा नहीं आने वाला है। और ओके ओके ओके, ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, ये टच करने वाला है, टच करेगा ओके यहां पर टच करेगा और इसने टच कर लिया, घुस गया। ओ इसको फटने को थोड़ा टाइम लगा, मैं सोच रहा था भाई मैं कुछ तो हक दिया, ये चीज काम नहीं कर रहा, ये चीज नहीं फटेगा, पर देन ये फट गया। ओ भाई क्या खड्डा किया है भाई इसने, क्या छेद बनाया है भाई, क्या छेद बनाया, नाइस। ओ भाई पूरा पूरा पहाड़ में खड्डा कर दिया बे। ऑल राइट, तो वहां से हमने एक मिसाइल बनाया जिसने उस पहाड़ के अंदर एक खतरनाक सा खड्डा किया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग एक की जगह लाइन में 5-6 मिसाइल छोड़े तो क्या होगा, और मुझे यहाँ पर एक मस्त सा फ्लैट सा पहाड़ मिला है जिस पहाड़ के ऊपर बहुत सारे मिसाइल मार सकता हूँ, तो इसको बनाना चालू करते हैं। और मैंने इस मिसाइल के बारे में एक चीज सीखा है कि ये मिसाइल तुम जितना नीचे फोड़ोगे उतना अच्छा है, क्योंकि फटने के बाद ये ऐसा फट्टा वट्टा ऊपर जाता है, तो इसको हम लोग जितना नीचे फोड़ेंगे उतना फायदा है क्योंकि ये ऊपर तक सब कुछ खोदने वाला है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर इस मिसाइल का ना एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन ट्राई करेंगे। अभी यहाँ पर हमने एक चलाया था, अभी यहाँ पर हम लोग को मल्टीपल चलाना है, जिसके लिए हम लोग को एक लॉन्च पैड नहीं चाहिए, हम लोग को एक लंबा सा लॉन्च पैड चाहिए, और उसके लिए हम लोग सबसे पहले ना यहाँ पर ऐसा लंबा सा एक स्टोन का लाइन बना लेंगे जिसके थ्रू हम लोग रेडस्टोन के पावर को पास करने वाले हैं। ओके, ये बन गया। ओके, तो ये जो है ये हमारा लॉन्च पैड बनने वाला है, तो ये एक लीवर को चालू करते ही, ओ शिट ये काम क्यों नहीं कर रहा है, अब समझा, सॉरी इसको बनाना पड़ेगा। ओके, तो हमने इसको फिक्स कर लिया है, जैसे हम लोग इस लीवर को चालू करेंगे ये ऐसे एक साथ बहुत सारे मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर मिसाइल्स को बना लेते हैं, और मुझे एक नहीं मुझे यहाँ पे लाइन में बहुत सारे मिसाइल्स बनाना है, और जिसके बाद हम लोग सबको मिलकर एक साथ लॉन्च करेंगे और देखेंगे कि इस पहाड़ का हालत क्या होता है। तो ये लग गए अपने ऑब्जर्वर्स, ये लग गए अपने स्टिकी पिस्टन्स और स्लाइम ब्लॉक्स और फिर स्टिकी पिस्टन, और फिर उसके बाद ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर यहाँ पर रेल, ओ नहीं हमें यहाँ पर से एक स्टिकी पिस्टन को अंदर डालना है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना है रेल और रेल के ऊपर जाएंगे बहुत सारे टीएनटी, उसके बाद यहाँ पर स्लाइम ब्लॉक, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर एक टीएनटी जिसको हमें डालना है अंदर। ओके, तो हमने यहाँ पर हमारे लॉन्चर पे एक मिसाइल बना लिया है, अभी मुझे इस चीज को सिर्फ लाइन से आगे तक बनाते जाना है। ऑलराइट गाइस, ये जो चीज तुमको तुम्हारे सामने दिख रही है ये पॉसिबली माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक चीज, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 मिसाइल एक साथ एक लाइन में लगा हुआ है। अभी मुझे बस एक लीवर को ऑफ करना है और ये 8 के 8 मिसाइल एक साथ लॉन्च हो जाएंगे।
अभी सोचो तुम अपने माइनक्राफ्ट के बेस में या कासल में ऐसा आराम से चिल मार रहे हो, ऐसा घूम रहे हो, ये मजे चल रहे, मस्ती कर रहे, एंजॉय कर रहे, और तुम सामने आके तुमको ये चीज दिखे तो तुम्हारी फटनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मुझे दिखेगा तो मेरी भी फटेगी, क्योंकि एक बार ये चीज चालू हो गए, ये 8 मिसाइल अगर चालू हो गए, ये फटने के अलावा नहीं रुकने वाले। इनको रोकने का एक ही तरीका है, इन्हें फोड़ देना। और गाइस अभी हम लोग इन सभी के सभी मिसाइल्स को एक साथ ऑन करने वाले हैं, और इस सारे मिसाइल्स जाकर फटेंगे वो सामने के पहाड़ के ऊपर। आर यू गाइस रेडी? इसको फोड़ते फोड़ते बस इमेजिन करने का है कि अगर ये चीज हीरो ब्रायन एसएमपी में चल गई तो भाई तबाही मच जाएगी, पूरा एसएमपी बर्बाद, पर देन वॉर में सामने वाले बर्बाद। ओके 3 2 1 जाओ। ओ, 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 ये क्या हो गया? इनको यहाँ नहीं फटने का था। अबे यार इतना मस्त मशीन बनाया था, पूरा स्कैम हो गया यार, चला ही नहीं। पर गाइस मैं ना ये वीडियो को ऐसे एंड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? मैं इसको ऐसे एंड नहीं करने वाला हूँ, मेरे को कुछ तो चाहिए, ठीक है? मुझे कुछ तो चाहिए, मुझे एक चीज तो फोड़ना ही है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से यार एक बना लेंगे। यार उसको बनाने में कितना टाइम गया था गाइस, उसको बनाने में कितना ज्यादा टाइम गया था मेरा यार, कम से कम मैं पिछले 1-2 से बना रहा हूँ, बता उसे बैठ गए। बट एनीवे वो चीज काम नहीं किया, और क्यों काम नहीं किया उसको हम लोग पता लगाएंगे, ऑफकोर्स पता लगाएंगे हम लोग वॉर से पहले। ये हमारा ट्रायल पीरियड है, हम लोग अभी तक सीख रहे इसको बनाना, एक बार हम लोग इसको बनाना सीख गया उसके बाद तो भाई तबाही मचा देंगे। ओके यहाँ पर ये लग गया, इसके आगे एक पिस्टन, फिर ये ओ रेल तोड़ना है, फिर ये ऐसे, फिर ये टूट जाएगा, फिर ये ऐसे। मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या गलत किया उसमें, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैंने सब कुछ सही से लगाया था। ओके अभी हमने ये चीज बना ली, मैंने लिटरली यही चीज बनाया था, मैंने बस इतना ही किया था, मैंने यही चीज बनाया था, तो अभी इसको फोड़ के देखते हैं। 3 2 1 गो। अबे ये नहीं फटा, इसको कुछ हुआ ही नहीं, तो वो सारे कैसे फट गए? वो आई थिंक वो स्टार्टिंग के 3-4 सही थे, वो एंड वाला कुछ तो हगा रहेगा, लास्ट वाले में कुछ तो मैं हगा हूं, उसके से बाकी सारे फट गए। ओके अभी अपना ये मिसाइल जा रहे हैं, अभी अपना दूर से बैठ के मस्त नजारे देखेंगे। सोचो यार तुम दूर ऐसे आराम से बैठे हो, तुमने अपना मिसाइल लॉन्च कर दिया, तुम ऐसे आराम से बैठ के नजारे देख रहे हो, अभी वो मिसाइल जाने वाला है, जाके पूरा पहाड़ में खड्डा करने वाला है, बहुत मजा आएगा, बैठ के मजे से आराम से देखते हो। और ये पहुंच गया, और फटा 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 फटना फट जा। परेशान हो गए हम लोग 2.5 से। ओ, ओ भाई उसने यहाँ से ऊपर तक खड्डा कर दिया, अभी नहीं अंदर तक नहीं गया, वो इधर ही आके फटा था इसलिए वो ऐसा खड्डा किया, अगर वो इधर जाता तो ऊपर तक खड्डा करता। नाइस, तो मेरे को अभी इसका बेसिक समझ गया, जिस काम कैसे करता है। बेसिकली क्या करता है वो, पहले इस TNT को इग्नाइट करता है, जो TNT ये जो सारे जो माइनकार्ट्स है उनको इग्नाइट करता है। पर गाइस ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ये मिसाइल लिटरली बहुत ज्यादा काम आएगा हमारे वॉर में। तो एनीवे गाइस अगर तुमको आज का वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।